हेलो ग्रीटिंग्स टू इयर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दिस इज महेश फ्रॉम शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल गताली टुडे वी विल बी रीस्टार्टिंग स्टार्टिंग सिलेबस फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ग्रेड सिक्स कक्षा छः हम सिलेबस फिर से शुरू कर रहे हैं वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड कवर्ड द सिलेबस दैट वी वॉन्ट टू डू फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस आना है वो हम कवर कर चुके हैं हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं जो लोग छूट गया है जिनका कुछ वो अभी कंप्लीट कर लें और जो जिन लोगों ने पूरा किया है अभी तक फॉलो वो उनके लिए रिविजन रहेगा सो प्लीज़ पे अटेंशन हंड्रेड परसेंट एंड स्टे फोकस्ड जो पढ़ाया जाता है उस पर पूरा ध्यान दें पार्ट एक से शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं सब कुछ आपको दोबारा बताएंगे बिल्कुल नए तरीके से और उम्मीद है आपको समझ आएगा चैप्टर नंबर वन इज़ नोइंग आर नंबर्स हमारे नंबर्स को जानते हैं इन दिस चैप्ट यू लर्न अबाउट फोर एंड फाइव डिजिट नंबर्स फॉर्मेशन ऑफ नंबर इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम्स एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियर स्टैंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, रोमन न्यूमरस ज़्यादातर ये सब चीज़ें आप हमारे पिछले क्लासेज़ में अगर आप इसी स्कूल से पहले से जुड़े हुए थे तो ये सब हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रेड में uh, हमारे बुक्स में कवर हो चुका है बट स्टिल इसमें इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिविजन सो दैट पिछले क्लासेज में आपने जो सीखा वो आप पढ़ के फिर आगे वाले चैप्टर्स करो इसलिए पार्ट एक में आपको ये दिया गया है सो फर्स्टली फोर एंड फाइव डिजिट नंबर्स फोर एंड फाइव डिजिट नंबर्स में आपको प्लेसिस और प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको काउंट करना होगा तो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड में फोर डिजिट नंबर हो जाता है आपका फाइव डिजिट नंबर के लिए इट इज़ टेन थाउजेंड नाओ वन वन ऑफ द थिंग्स इज आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की कौन सी है तीन अंकों की कौन सी है चार अंकों की कौन सी है सबसे छोटी कैसी है कौन सी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मान लीजिए आपको कहा गया है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर सबसे बड़ा क्या होगा संख्याएं कौन सी हैं जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ जीरो सबसे छोटी है नौ सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कितनी हो गई नौ हो गई तो वैसे ही सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी नौ को दो बार लिख दो सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या नौ को तीन बार लिख दो तो नौ को रिपीट करते रहो जितने भी संख्या जितने अंकों की संख्या बोली हो जितने डिजिट्स का हाइस्ट न्यूमरल आपको बताना हो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क वाट इज़ द हाइस्ट फोर डिजिट नंबर सो फोर डिजिट हाइस्ट नंबर विल बी नाइन फोर टाइम्स सो नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन बिकम्स द हाइस्ट फोर डिजिट नंबर सिमिलरली हाइस्ट टू डिजिट नंबर विल बी नाइन्टी नाइन अब इसमें एक और जोड़ दोगे तो सबसे छोटा तीन डिजिट का नंबर बन जाएगा यानी वन हंड्रेड तो दिस इज स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्योंकि इससे छोटा कोई थ्री डिजिट में नंबर नहीं होता तीन डिजिट चाहिए तो आपको वन टेंस हंड्रेड प्लेस तक चाहिए हंड्रेड प्लेस पे वन डाल के बाकी में जीरो कर दोगे तो ये आपका सबसे छोटा तीन अंकों की संख्या है वैसे ही सबसे छोटी चार अंकों की संख्या कैसे बनेगी वन ट्रिपल जीरो और सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या नाइन 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 सो दिस इज वेरी बेसिक ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आता है इसलिए आपको बताया गया है नाउ देर आर सम सम्ड एग्जाम्पल्स राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इनको वर्ड में लिखना है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे हम एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन तो ये कैसे पता चला हमें कि एट थाउजेंड आएगा इसके प्लेस की वजह से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड राइट साइड से हमेशा प्लेस गिनते हैं तो इसमें जब आप प्लेस गिनोगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड तो इसको ऐसे ही लिखोगे वंस के नीचे नाइन टेंस के नीचे जीरो हंड्रेड के नीचे फोर थाउजेंड के नीचे एट तो एट थाउजेंड फोर हंड्रेड अभी जीरो है तो इसको नहीं बोलेंगे हम यहां एंड नाइन नाइन क्यों बोला क्योंकि नाइन वंस प्लेस पे है तो इसके आगे हम कुछ नहीं लगाते जैसे यहां टेंस प्लेस पे है तो उसमें टेन मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या बनेगी वो बोलते हैं हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए थ्री फाइव सिक्स नाइन जीरो तो ये कहां तक गया है टेन थाउजेंड तक गया है वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड तक गया तो थ्री इंटू टेन थाउजेंड बिकम्स थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड तो दिस बिकम्स थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी आगे जीरो है तो बिकम्स नाइन्टी थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी तो, 35, 690, तो, Six, uh, 35, तो इस, इसका वर्ड में नाम क्या बन जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी अगर यहाँ पे टू होता तो ये बन जाता है थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी टू सो सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए नाइन वन जीरो सेवन फोर नाइन वन ज़ीरो सेवन फोर इसको कैसे बोलेंगे नाइन्टी वन थाउजेंड इसके लिए क्या हो गया नाइन्टी ये है वन थाउजेंड नाइन्टी वन थाउजेंड हंड्रेड के प्लेस पे जीरो है तो इसको नहीं बोलेंगे सेवनटी फोर नाइन्टी वन थाउजेंड सेवनटी फोर 91, तो ऐसे इनके नंबर नेम बन जाएंगे अब देखिए नेक्स्ट है नंबर नेम से नंबर बनाना है 5420 5000 इसका मतलब हाईएस्ट जो है इसमें थाउजेंड प्लेस तक है तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड चार अंकों की संख्या बन जाएगी है, तो थाउजेंड के नीचे फाइव लिखिए हंड्रेड प्लेस के नीचे फोर लिखिए ट्वेंटी का मतलब टेंस प्लेस पे टू लिखिए और आगे कुछ नहीं है तो वंस uh, प्लेस पे जीरो तो फाइव फोर टू जीरो आपका नंबर बन जाएगा ऐसे ही मान लीजिए थर्ड पार्ट देखिए एट्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव एट्टी थाउजेंड तो एट्टी थाउजेंड है तो दिस बिकम्स टेन थाउजेंड की प्लेस तक गया हुआ है ये तो वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव प्लेसेस तक तो टेन थाउजेंड प्लेस पे एट लिखिए थाउजेंड प्लेस पे जीरो लिखिए हंड्रेड प्लेस पे जीरो लिखिए क्योंकि हंड्रेड 100 और थाउजेंड दोनों पे कुछ भी नहीं आया इसमें फोर्टी टेंस प्लेस पे फोर लिखेंगे वंस प्लेस पे फाइव तो आपका क्या बन जाएगा ये एट ज़ीरो जीरो फोर फाइव नेक्स्ट इज़ कंपेरिजन ऑफ नंबर्स वैन द नंबर्स हैव अन एकवल नंबर ऑफ डिजिट्स तो आप कंपेरिजन कैसे करेंगे जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं यानी कि ये देखिए ये नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट्स का ये नंबर है फोर डिजिट्स का तो ऑब्वियसली बात है फाइव डिजिट्स वाला नंबर बड़ा होगा तो दिस इज ग्रेटर वैन द नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिजिट्स सेम है तो आप क्या करोगे उसमें जो हाइएस्ट प्लेस पे है उसको कंपेयर करोगे जैसे कि इसमें वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव दोनों में फाइव डिजिट्स हैं तो अब हम क्या करेंगे कंपैरिजन कहाँ से शुरू करना है आपको सबसे बड़े प्लेस पे सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है ये है टेन थाउजेंड वाला टेन थाउजेंड प्लेस पे इसमें भी नाइन नाइन है इसमें भी नाइन है तो यहाँ बराबर है फिर अगले प्लेस पे चलो यहाँ सिक्स है यहाँ भी सिक्स है तो ये भी बराबर है थ्री है थ्री है यहाँ भी बराबर है यहाँ फाइव है और यहाँ थ्री है तो ये वाला नंबर बड़ा है सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस तो या तो संख्या आपके पास ऐसी आ सकती है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा है वो नंबर बड़ा हो गया अपने आप से अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं तो आप क्या करोगे हाईएस्ट प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करोगे दूसरे नंबर के हाईएस्ट प्लेस से इसका टेन थाउजेंड वाला कंपेयर किया दोनों बराबर आए तो अगले पे चलो अगर जिसका भी ये सेम प्लेस का नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा अब इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज वन है तो एक्सरसाइज वन में राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स टू जीरो फाइव वन तो टू जीरो फाइव वन को मैं क्या लिखूँगा इसको पहले प्लेसेस काउंट करो आप ये क्या है वन टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड तो टू थाउजेंड प्लेस पे है टू थाउजेंड फिफ्टी वन क्योंकि हंड्रेड पे जीरो है तो टू थाउजेंड फिफ्टी वन पहला वाला बन जाएगा सेकेंड देखिए एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी वन थर्ड थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फोर फोर्थ नाइन्टी थाउजेंड सॉरी दिस इज 90,402, थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टू दिस इज टेन थाउजेंड एट दिस इज फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्सटी टू दिस इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन तो ऐसे आप इनको सबको लिख लोगे बहुत ईजी है नेक्स्ट में नंबर नेम्स दिए हुए हैं इनको फिगर्स में लिखना है तो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री इसको कैसे लिखोगे पहले आप ये प्लेसेस देखिए थाउजेंड प्लेस तक गया हुआ है थाउजेंड प्लेस पे सिक्स लिखिए हंड्रेड प्लेस पे फोर लिखिए और टेंथ प्लेस पे कुछ नहीं लिखा है तो जीरो लिखिए तो ये क्या बन जाएगा सिक्स फोर जीरो थ्री सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फाइव अब सेवनटीन थाउजेंड है तो सेवनटीन थाउजेंड तो इसमें क्या है ये प्ले ये जो टेन थाउजेंड प्लेस थाउजेंड प्लेस सेवनटीन तक आ जाएगा सिक्स हंड्रेड एंड फ़ाइव टेंथ प्लेस पे कुछ नहीं है ऐसे आ जाएगा ये वन सेवन सिक्स जीरो फ़ाइव अब फोर्थ पार्ट है इसका सिक्सटीन थाउजेंड नाइन सिक्सटीन थाउजेंड और हंड्रेड प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा टेंथ प्लेस पे जीरो आ जाएगा और यहाँ नाइन आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड नाइन ये आपका नंबर आ जाएगा अब नेक्स्ट है कंपेयर द नंबर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट सिंबल अब जो बड़ा है उसमें बड़ा लिखना है जो छोटा है उसकी तरफ छोटा करना है बाकी में इक्वल टू करना है तो जहाँ बड़ा होता है वहाँ पर क्या होता है साइन उसकी तरफ खुला हुआ पार्ट आता है यानी दिस इज लेस देन दिस इज ग्रेटर देन अब इसमें देखिए फाइव फोर थ्री सिक्स फाइव थाउजेंड फोर थर्टी सिक्स सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी टू तो सेवन थाउजेंड वाला नंबर बड़ा है ये छोटा है इसमें नंबर ऑफ प्लेसेस सेम है चार प्लेसेस में चार प्लेसेस में लेकिन हम सबसे बड़े वाले प्लेस से शुरू करेंगे इसमें सेवन है इसमें फाइव तो ऑब्वियसली सेवन बड़ा है तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा ऐसा दिस इज लेस देन दिस सेकेंड पार्ट देखिए नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू एट थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी तो नाइन थाउजेंड ऑब्वियसली एट थाउजेंड से बड़ा है तो यहाँ आएगा ग्रेटर देन वन हंड्रेड एंड नाइनटीन ये क्या है वन थाउजेंड वन नाइनटी फाइव इसमें तीन प्लेस हैं इसमें चार प्लेस हैं तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है फोर टू सिक्स एट फोर थ्री फाइव जीरो तो फोर थाउजेंड तक सेम है लेकिन टू हंड्रेड सिक्सटी एट थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी बड़ा है तो ये लेस देन आ जाएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड जीरो थ्री एंड दिस इज़ थर्टी थ्री थाउजेंड तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ही ज़्यादा हैं तो ये वाला बड़ा हो जाएगा इसमें देखिए सेवन वन वन ज़ीरो सेवन वन वन ज़ीरो तो ये बराबर है एग्जैक्टली exactly, तो इक्वल टू का साइन लगाइए ये, ये देखिए इसमें क्या है थर्टी थाउजेंड वन इसमें है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा है सिक्स सेवन एट जीरो टू सेवन एट जीरो थ्री सिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है इसमें भी पांच डिजिट्स हैं इसमें भी पांच डिजिट्स हैं लेकिन इसका फर्स्ट डिजिट ही बड़ा है तो आप इसको लेस देन कर देंगे ये छोटा है ये बड़ा है जहाँ ओपन माउथ होता है वो वाला नंबर बड़ा होता है जहाँ पॉइंटेड होता है वो छोटा होता है सेवन थ्री जीरो वन नाइन सेवन थ्री जीरो नाइन वन वन नाइन और नाइन वन अपोजिट हो गए हैं इसमें घूम गए हैं तो इसमें टेंथ प्लेस तक सब सेम है देखो यहाँ क्या है सेवेंटी थ्री थाउजेंड सेवेंटी थ्री थाउजेंड तो सेवन थ्री जीरो सेवन थ्री जीरो सेम है लेकिन यहाँ टेंथ प्लेस पे वन है या नाइन है तो टेंथ प्लेस किसका बड़ा है इसका बड़ा है तो इसको बड़ा लिखेंगे नाइन वन सिक्स फाइव फाइव नाइन सिक्स वन फाइव फाइव तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है इसमें भी पांच डिजिट हैं इसमें भी डिजिट हैं है, लेकिन सबसे बड़े से कंपेयर करना शुरू करिए तो टेंथ थाउजेंड प्लेस पे नाइन है नाइन है सेम है थाउजेंड प्लेस पे वन है इस पे सिक्स है तो सिक्स वाला बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट इज कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आपको बताना है 392, नाइनटी टू तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा ये इसमें केवल दो ही संख्याएं हैं तो ये है आपका सबसे छोटा मान लीजिए मैं सबसे छोटे पे बना रहा हूं बॉक्स और सबसे बड़े को करेंगे हम सर्कल के अंदर तो ये सबसे बड़ा है क्योंकि दिख ही रहा है हमको कि इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्याएं हैं तो सबसे छोटे को हमने क्या किया है बॉक्स में और सबसे बड़े को सर्कल में अब इसमें देखिए ऐसे ही सबसे छोटा कौन सा है सबसे कम संख्याएँ किस में है इस इन दोनों में 200 में और 410 में 200 410 में से सबसे छोटा कौन सा होता है 200 तो सॉरी हमने सबसे छोटे को क्या किया था बॉक्स में तो इसको अभी हम बॉक्स में करेंगे ठीक है ये बॉक्स हो गया 200 बॉक्स में आ गया सबसे बड़े वाली संख्या को हमें क्या करना है अभी सर्कल में ये है फोर ये है एट्टी तो इसमें प्लेसेज ज्यादा हैं ये है सबसे बड़ा फिर से सबसे छोटा इसमें कौन सा है अलग से ही दिखाई दे रहा है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू ये भी तीन डिजिट का है ये भी तीन डिजिट का है लेकिन ये दो सौ बाईस है छोटा है ये पाँच सौ चालीस से और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है फिफ्टी सेवन थाउजेंड इससे बड़ी संख्या यहाँ कोई नहीं है तो इसको हम कर देंगे सर्कल अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है सबसे कम डिजिट्स किस में है इसमें है तो सबसे कम वाले को हम कर देते हैं बॉक्स में सबसे ज़्यादा डिजिट्स किसके अंदर हैं ये फोर डिजिट्स का है ये भी फोर डिजिट्स का है ये भी फोर डिजिट्स का, का है और ये फाइव डिजिट्स का है वन थर्टी जीरो थ्री तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी ये तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन फोर सॉल्व हो गया फाइव फाइन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इसमें भी वही करना है आप कर लोगे आराम से अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इनको बढ़ते क्रम में सजाना है बढ़ते क्रम का मतलब क्या है सबसे छोटा सबसे पहले उसके बाद में उससे बड़ा उसके बाद उससे बड़ा इसमें भी कैसे करोगे आप पहले कंपेयर करोगे तो जैसे पार्ट वन ले लीजिए सबसे कम डिजिट्स किस में है इसमें हैं तो ये सबसे पहले लिखेंगे हम तो ये आएगा सबसे पहले नंबर वन पे फिर देखिए ये चार डिजिट का है चार डिजिट के बाद देखोगे आप तो ये सारे ही पाँच डिजिट के हैं लेकिन इन पाँच डिजिट में सब टू से शुरू नहीं हो रहे ये दोनों टू से शुरू हो रहे हैं फिर टू के बाद ये देखिए अगला प्लेस इसमें इसमें वन है इसमें नाइन है तो इसके बाद कौन सा आएगा ये आएगा तो ये आएगा नंबर टू पे ठीक है हैं पाँच डिजिट के ये सारे तो ये वाला भी पाँच डिजिट का है ये आएगा फिर थ्री पे और ये सिक्स में है तो ये आएगा फोर पे सबसे बड़ी संख्या है ये ठीक है उसके बाद पार्ट नंबर टू देखिए इसमें भी ऐसे ही करिए सबसे कम डिजिट्स काउंट करिए ये कितने हैं पाँच डिजिट का है पाँच डिजिट का है ये भी पाँच डिजिट का है ये भी पाँच डिजिट का, का है अब देखिए सबसे बड़ा प्लेस पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है यानी टेन थाउजेंड प्लेस पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है थ्री है तो ये दिखाई दे रहा है तो ये सबसे पहले लिखेंगे आप इसके बाद इसके बड़ी ये है ये सेकेंड नंबर पर लिखेंगे आप ये थर्ड नंबर पर लिखेंगे आप और ये फोर्थ नंबर पर लिखेंगे आप तो असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा यानी बढ़ते क्रम में ऐसे ही इसमें देखिए ये पाँच डिजिट का है ये भी पाँच डिजिट का है ये चार डिजिट का है और ये पाँच डिजिट का है तो ये चार डिजिट का है सबसे छोटा तो यही हो गया अब पाँच डिजिट में सबसे पहले वाला सबसे छोटा नंबर ये है देखेंगे ना आप ये सेवेंटी सिक्स थाउजेंड है ये ट्वेंटी वन थाउजेंड है ये सिक्सटी थाउजेंड है तो ट्वेंटी वन थाउजेंड सबसे छोटा है इसमें से ये टू आ जाएगा ये थ्री आ जाएगा और ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ऐसे ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में से जाना है इसमें भी पांच डिजिट हैं पांच डिजिट हैं यहाँ भी पांच डिजिट हैं यहाँ भी पांच डिजिट हैं इनमें सबसे छोटा ये है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इसके बाद सिक्सटी सेवन थाउजेंड इसके बाद सेवेंटी सिक्स थाउजेंड और इसके बाद एट्टी थ्री थाउजेंड तो ये आपका इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर आ गया अब इसका उल्टा करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा सबसे पहले उसके बाद में उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा सबसे लास्ट में अब देखिए पार्ट नंबर वन इसमें देखिए सब चार डिजिट के हैं क्या ये भी चार है ये पांच है और ये चार है तो सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे बड़ा इसमें पांच डिजिट्स हैं इसके बाद इससे छोटा कौन सा है ये देखिए आप ये ये सभी चार डिजिट के बच गए लेकिन चार डिजिट में ये सबका थ्री थाउजेंड वे हैं थ्री थाउजेंड सेवन थर्टी फाइव थ्री थाउजेंड फाइव थर्टी सेवन थ्री थाउजेंड फोर फिफ्टी सेवन तो थ्री थाउजेंड के बाद हंड्रेड वाले प्लेस पे सबसे बड़ा कौन सा है इसमें फाइव है इसमें सेवन है इसमें फोर है तो ये इसके बाद आएगा सेकेंड सबसे बड़ा अब ये है इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला है क्योंकि थ्री के बाद सेवन था यहाँ थ्री के बाद फाइव है इसमें फोर है तो ये इससे बड़ा है तो ये आएगा थर्ड प्लेस पे और ये वाला आ जाएगा फोर्थ प्लेस पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा फिर ऐसे ही करके आप पार्ट नंबर टू देखिए इसमें पाँच डिजिट हैं पाँच डिजिट हैं पाँच डिजिट हैं पाँच डिजिट हैं है। अब इनमें से सबसे बड़ा देखिए सिक्स से शुरू होते हैं सब में सिक्स है इसमें टू है इसमें थाउजेंड प्लेस पे इसमें एट इसमें सेवन इसमें सेवन तो एट वाला सबसे बड़ा हो गया तो ये आपका नंबर वन पे आ जाएगा इसके बाद देखिए थाउजेंड प्लेस पे सेवन इसमें है सेवन इसमें है फिर नेक्स्ट लेवल देखिए टू इसमें है टू इसमें है फिर नेक्स्ट लेवल देखिए एट इसमें इसमें नाइन है तो ये वाला आपका आ जाएगा सेकेंड ये वाला आपका आ जाएगा थर्ड और ये वाला आपका आ जाएगा फोर्थ सबसे छोटा तो ऐसे आप इनको उल्टे और क्रम में सजाना है सबसे बड़ा सबसे पहले सबसे छोटा सबसे अंत में अब नेक्स्ट पार्ट देखिए ये देखिए इसमें पाँच हैं इसमें भी पाँच डिजिट हैं इसमें भी पाँच डिजिट हैं इसमें भी पाँच डिजिट हैं लेकिन सबसे बड़ी है संख्या किससे शुरू होती है सिक्स से सिक्स के बाद इसमें नाइन है इसमें फाइव है तो ये आएगा सबसे पहले ये आएगा सेकेंड नंबर पर ठीक है सिक्सटी फाइव थाउजेंड है ये इसके बाद थर्टी सिक्स थाउजेंड आएगा उसके बाद ट्वेंटी फोर थाउजेंड आएगा नेक्स्ट वाले में देखिए पाँच 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 और पाँच सब पाँच पाँच नंबर के हैं पाँच डिजिट की संख्याएं हैं लेकिन इसमें देखिए थर्टी नाइन थाउजेंड है ये किसी और में थर्टी नाइन थाउजेंड नहीं है थर्टी सिक्स है उसके बाद तो इसको सेकंड नंबर दीजिए थर्टी सिक्स के बाद ट्वेंटी नाइन है इसमें तो इसको थर्ड नंबर दीजिए और इसमें ट्वेंटी सिक्स है तो इसको फोर्थ नंबर दीजिए तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका राइट द सक्सेसर ऑफ सक्सेसर का मतलब क्या होता है इसके बाद क्या आएगा फाइव के बाद क्या आएगा फाइव 5091 के बाद क्या आएगा 5092 जीरो नाइन टू इन सब में एक एक ऐड करके निकालना है आपको एट थाउजेंड के बाद क्या आएगा एट थाउजेंड वन टू वन सेवन नाइन दिस मीन ट्वेंटी मतलब इससे पहले क्या आएगा पांच हजार में से एक कम कर दो तो क्या आएगा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से एक सब कर दो तो क्या आएगा फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन ये इसका प्रेडिसर हो जाएगा 7759 में से एक कम कर दो तो, तो क्या आएगा 7758 90000 में से एक कम कर दो तो, तो क्या आएगा 89999 89999 सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1.1 आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आई है बहुत ही इजी है ये आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में पढ़ चुके हो ये फोर्थ फिफ्थ में इसके प्रॉब्लम्स आ चुके हैं सब कुछ नंबर्स ही हैं केवल आपको कंपेयर करना है नंबर का नेम लिखना है और ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगाना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सो दिस इज वेरी इजी एंड आई होप आप इसको बहुत इजीली कर लोगे सो सॉल्व द एक्सरसाइज कंप्लीटली टेक केयर बाय बाय